नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि देश के टूटने का स्पष्ट खतरा है। मोदी सरकार की नीतियों और मंशा के कारण भारत के टूटने की आशंका बढ़ रही है। उन्होंने कहा, पहला यह है कि आर्थिक विषमता बढ़ रही है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गलत तरह से GST लगाना, सत्ता का केंद्रीकरण अर्थव्यवस्था पर एक या दो पूंजीपतियों का नियंत्रण आर्थिक विषमता बढ़ा रहा है और इसके कारण भारत के टूटने की आशंका भी बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि RSS और भाजपा की विचारधारा हमेशा से ही विभाजनकारी रही है और उनके लिए सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की रणनीति रही है। रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक तानाशाही अब एक वास्तविकता बन चुकी है, संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और सरकार एवं न्यायपालिका के बीच तनाव पैदा किया जा रहा है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि यात्रा किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। चीन के साथ साथ दुनिया भर के कई शहरों में एक बार फिर कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में बढ़ते कोविड के मामलों का कारण है ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BF7, जो कि अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। बता दें, भारत में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF7 के अब तक 4 मामले सामने आए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और लोगों से एहतियात बरतने और कोविड गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से करने को कहा गया है। इसी बीच खबर है कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में कोविड की वजह से एक मरीज की मौत हो गई और दिल्ली में लंबे समय के बाद कोविड की वजह से किसी की मौत हुई है, जिसके चलते दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई है। और आज गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मीटिंग सचिवालय में की जाएगी और साथ ही बताया गया है कि दिल्ली सरकार कोविड-19 की स्थिति पर नजर रख रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को नमूनों का जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने का निर्देश दिया है। चीन के अलावा दुनिया भर के देशों में कोरोना के कहर को देखते हुए भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ गई है। जहां एक तरफ दिल्ली में कोविड से एक मरीज की मौत होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गुरुवार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बता दें, इस बैठक के दौरान देश में कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। वहीं इससे पहले बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कोरोना वायरस के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए बैठक की थी। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल को राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक मंडल के खिलाफ ED को कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान ED की तरफ से अदालत को मौखिक आश्वासन दिया गया कि वह 9 जनवरी तक TMC नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को क्रियान्वित नहीं करेगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को की जाएगी। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की पशु तस्करी के मामले में आरोपी TMC नेता अनुव्रत मंडल को ED द्वारा आसनसोल जेल से दिल्ली लाकर पूछताछ करने की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और मामले में निचली अदालत द्वारा ED को इजाजत भी दे दी गई थी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के 19 दिसंबर के उसी आदेश को अनुव्रत मंडल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर पार्टी ने मालविया पर पलटवार करते हुए उन पर लोगों के समक्ष झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दरअसल अमित मालविया ने बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर उसके साथ लिखा था कि राहुल गांधी के जूते का लेस बांधने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह घुटने के बल बैठ गए। दम से भरा यह नेता अपना काम खुद करने की बजाय उसकी पीठ थपथपाता नजर आ रहा है। इसी पर ही पार्टी की बात कर रहे थे खड़गे जी, कांग्रेस में पिद्दियों की कमी नहीं है। वहीं अब मालविया के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक जूते की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा कि अमित मालविया, यह है राहुल गांधी जी के जूते का फोटो जिसमें लेसेस ही नहीं है। आप एक बार फिर झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, क्योंकि आपको BJP अध्यक्ष JP नड्डा और PM मोदी ने रोजाना झूठ बोलने के लिए अधिकृत किया है। आप तीनों को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, झूठ बोलना बंद करिए।
नशीले पदार्थों के खतरे और ड्रग्स तस्करी पर केंद्र ने क्या किया, इसे लेकर लोकसभा में जानकारी दे रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टीएमसी सांसद सौगात राय द्वारा टोके जाने पर अमित शाह गुस्सा हो गए और इस दौरान उन्होंने सौगात राय से कहा कि दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, आप 10 मिनट बोलिए, इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टाकी करना ना ही आपकी उम्र के लिए अच्छा है और ना ही आपकी सीनियरिटी के लिए अच्छा है, मैं बैठ जाता हूँ, आप 10 मिनट भाषण करिए, हर बार ऐसे नहीं करना चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। वहीं अमित शाह की इस बात पर सौगात राय ने उनसे सवाल करते हुए कहा आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, जिस पर शाह ने कहा कि क्रोधित नहीं हो रहा, कभी कभी बड़ों को भी समझाना पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं और वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उनका व्हाइट हाउस में स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा बातचीत का मुख्य फोकस यूक्रेन को मजबूत करना था और यूक्रेन को सहायता के अमेरिकी पैकेज के कारण स्वदेश लौटने पर मुझे अच्छी खबर मिलेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हम बिल्कुल समान दृष्टि साझा करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को युद्ध के मैदान में सफल होने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसियों से बात करने के लिए तैयार हों तो वह भी सफल हो सकें क्योंकि वे युद्ध के मैदान में जीत चुके होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।